Okay, guys, so like, let us start with this new chapter in English, which is titled The Four Dolls. Okay, basically, like, ये story जो है वो उन qualities को explore करती है जो कि एक अच्छे शासक में होना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक अच्छे किंग में होने वाली qualities ही नहीं है. इनफैक्ट ये वो quality है जो कि हमें अपने किसी भी विश्वास के लायक friend में जो है, किसी भी ट्रस्टवर्दी फ्रेंड में जो है ढूंढनी चाहिए. किसी भी ऐसे आदमी जिस पर आप भरोसा करते हैं, तो उस पर भरोसा करने से पहले जो है आपको उन क्वालिटीज़ के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए जो कि उसमें होना चाहिए. एंड दिस स्टोरी विल टेल अस अबाउट दोज क्वालिटीज़. इस स्टोरी में हमें जो है उन क्वालिटीज़ के बारे में पता चलेगा. लेट अस बिगिन द स्टोरी. अ सेज, सेज मतलब साधु होता है. अ सेज प्रेजेंटेड अ प्रिंस विद अ सेट ऑफ थ्री स्मॉल डॉल्स. एक साधु जो है उसने जो है एक राजकुमार को गिफ्ट दिया, उसको भेंट दिया तीन छोटे छोटे डॉल्स का सेट. द प्रिंस वॉज नॉट अम्यूज्ड. प्रिंस बहुत खुश नहीं था उससे. वो पूछता है, एम आई ए स्मॉल चाइल्ड दैट यू गिव मी डॉल्स. क्या मैं छोटा बच्चा हूँ कि आप मुझे डॉल्स दे रहे हैं? He asked. दिस इज ए गिफ्ट फॉर ए फ्यूचर किंग, सेड द सेज. साधु जो है वो बोलता है कि ये गिफ्ट जो है वो होने वाले भविष्य के राजा के लिए है, ये राजकुमार के लिए नहीं है. फिर आगे सेज बोलता है, इफ़ यू लुक केयरफुली, अगर तुम सावधानी से देखोगे, यू विल सी अ होल इन द ईयर ऑफ ईच डॉल. सो बोलता है कि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम देखोगे कि हर एक डॉल के कान में एक छेद है. तो प्रिंस पूछता है, सो तो मतलब क्या है छेद है? तो द सेज हैंडेड हिम अ पीस ऑफ स्ट्रिंग. साधु ने उसे जो है दिया, हैंड मतलब तो हाथ हो गया, लेकिन हैंडेड मतलब किसी के हाथ में कुछ देना, तो साधु ने उसे थमा दिया एक धागे का टुकड़ा. स्ट्रिंग मतलब धागा होता है. पास इट थ्रू ईच डॉल, ही सेड, हर एक डॉल से होके जो है इस धागे को पास करवाओ. अब सेज क्यों बोलता है धागा पास करवाने के लिए? तो क्योंकि हो सकता है कि धागा स्ट्रिंग पास करवाने के दरमियान में ही जो है शायद उस प्रिंस को उन डॉल्स का सही मतलब पता चल सके, उसका सही उसका जो है सिग्निफिकेंस, जो महत्व है वो पता चल सके. इंट्रीग्ड द प्रिंस पिक्ड अप द फर्स्ट डॉल. इंट्रीग्ड मतलब मुग्ध होके, इससे जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होके, ठीक है ना, राजकुमार जो होता है उसने पहला डॉल उठाया एंड पुट द स्ट्रिंग इनटू इट्स ईयर, और धागा जो है कान में डाल दिया. इट केम आउट फ्रॉम द अदर ईयर, ये दूसरे कान से, इस कान से डाला, ये इस कान से निकल गया. This is one type of person, said the sage. साधु ने कहा ये एक टाइप के आदमी होते हैं. Whatever you tell him comes out from the other ear. जो भी आप बोलो वो दूसरे कान से बाहर निकल जाता है. He doesn't retain anything. वो कुछ भी ध्यान नहीं रखता, कुछ भी सही मायने में सुनता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं रखता है. The prince put the string into the second doll. राजकुमार ने फिर जो है दूसरे डॉल में धागा डाला. इट केम आउट फ्रॉम द माउथ, ये उसके मुंह से बाहर निकल गया इस बार. फिर सेज बोलता है, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ पर्सन, सेड द सेज, ये सेकेंड टाइप के आदमी होते हैं. वट एवर यू टेल हिम ही टेल्स एवरीबॉडी एल्स, जो भी तुम उसे बोलो वो सबको बोल देता है. द प्रिंस पिक्ड अप द थर्ड डॉल एंड रिपीटेड द प्रोसेस. प्रिंस ने फिर तीसरा डॉल उठाया और वही प्रोसेस रिपीट किया, धागा डालने वाला, रिपीट मतलब दोहराना. The string did not reappear from anywhere else. इस बार धागा कहीं बाहर निकला ही नहीं. This is a third type of person, said the sage. ये तीसरे टाइप का आदमी है. Whatever you tell him is locked up within him. जो भी तुम उसे बोल दो वो उसके अंदर बंद होके रह जाता है. Locked up, lock मतलब ताला मारना होता है ना, तो locked up मतलब बंद होके रह जाना. Lock up मतलब किसी को बंद करके रख देना. इट नेवर कम्स आउट, जो भी आपने बोला वो उसके अंदर लॉकअप होकर रह गया. इट नेवर कम्स आउट, ये कभी बाहर नहीं निकलता. देन हु इज द बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन, आस्क्ड द प्रिंस. प्रिंस पूछता है तो फिर सबसे बढ़िया आदमी कौन है इसमें से. द सेज हैंडेड हिम अ फोर्थ डॉल इन आंसर. साधु जो है उसे फिर एक चौथा डॉल देता है जवाब के तौर पर. वेन द प्रिंस पुट द स्ट्रिंग इन टू द डॉल, इट केम आउट फ्रॉम द अदर ईयर. जब राजकुमार ने वो धागा जो है इस डॉल के कान में डाला तो वो जो है उसके दूसरे कान से निकल गया. डू इट अगेन,
सेट द सेट। साधु ने कहा दोबारा करो चौथे डॉल के साथ, वो बोलता है सो दोबारा से कान में धागा डालो। द प्रिंस रिपीटेड द प्रोसेस, राजकुमार ने जो है प्रोसेस रिपीट किया। दिस टाइम द स्ट्रिंग केम आउट फ्रॉम द माउथ, इस बार धागा जो है वो मुंह से बाहर निकला। व्हेन ही पुट द स्ट्रिंग थर्ड टाइम इट डिड नॉट कम आउट एट ऑल, जब उसने तीसरी बार धागा डाला तो धागा जो है बिल्कुल बाहर निकला ही नहीं। फिर सेज बोलता है, साधु बोलता है दिस इज द बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन सेड द सेज, ये सबसे बढ़िया टाइप होता है आदमी का, टू बी ट्रस्ट वर्दी, विश्वास के लायक होना। अ पर्सन मस्ट नो व्हेन नॉट टू लिसन, व्हेन टू रिमेन साइलेंट एंड व्हेन टू स्पीक आउट। विश्वास भाजन बनने के लिए, विश्वास पात्र बनने के लिए एक आदमी को बिल्कुल पता होना चाहिए कब नहीं सुनना है, कब चुप रहना है और कब बोलना है। ओके सो वेल दैट इज द स्टोरी। एक तो बेसिक आइडिया ये आता है कि भाई अच्छी चीज़ें बोलिए और अच्छी चीज़ें जो है सुनिए, लेकिन साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट आइडिया कि अगर विश्वास पात्र बनना है किसी का, या कोई आदमी अगर भरोसे के लायक, कोई आदमी अगर किसी को आप भरोसे लायक समझते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि उस आदमी में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसे पता हो कि किस बात पर ध्यान नहीं देना है, किस बात पर जो है चुप रहना है और किस मामले में लेकिन बोलना ही बोलना है। ओके सो वेल दैट इज़ द स्टोरी। I hope that you understood it properly. In the next session, we will look at the question answers for this chapter. Until then, have fun. Read the story on your own. Okay? Bye.